पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा, क्या सूर्य और मंगल महाराज मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरा जिक्र बार बार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उमर अब्दुल्ला, आम जनता तो समझ रही है कि प्रधानमंत्री क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इसको बिल्कुल अलग ढंग से देख रहे हैं। आम जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कह रहे हैं कि आप बार बार से ग्रस्त राजनीतिक माहौल में हैं और हम आपको परिवारवाद वाले राजनीतिक माहौल से बाहर निकाल कर आपको एक लोकतांत्रिक माहौल देना चाहते हैं। परिवारवाद वाले माहौल में परिवार तय करता है कि पार्टी की कौन सी पोजिशन पे कौन बैठेगा, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्री कौन बनेगा, स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा, परिवार के दो लोग बैठकर तय करते हैं। पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सबसे बड़े नेता, वो तय किया करते थे। फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तय करने लगे। आप अभी तक उमर अब्दुल्ला तय कर रहे थे और आने वाले समय में जमीर अब्दुल्ला और उनके दूसरे भाई जो है वो तय करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन आदमी कहाँ बैठेगा। अब आप ये भी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की विडंबना कि उनके पास सागर जी कि ये बात भी जो कांग्रेस की तरफ से ये भी बयान सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर झूठ जो है वो कह रही है कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में जो कमी है वो हुई है। और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि यहाँ पर आम नागरिकों की बात की जाए या सुरक्षा बलों की बात की जाए तो उनकी अगर बात की जाए तो उनकी शहादत में भी वृद्धि हुई है, लेकिन साफ तौर पर भाजपा का जो आंकड़ा है वो झूठा है। क्या कुछ लगता है, किस तरीके का एजेंडा जो है वो कांग्रेस आगे रखना चाहती है इसके बदले? देखिए, कांग्रेस अपने इतिहास पे नजर दौड़ाए और उसके बाद देखिए, जब कांग्रेस ये बात कहती है तो कांग्रेस यहाँ पर ये बात भूल जाती है कि आतंकवाद से लड़ने के सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। कांग्रेस के समय में फॉर्मूला था कॉम्प्रोमाइज। कांग्रेस के समय में फॉर्मूला था कि कुछ ले दे के बात खत्म कर दो। कांग्रेस के समय में सभी के सभी अलगाववादी नेता अपनी दुकान घाटी के अलग अलग चौकों और ठीक है। हाशमी साहब, माफी चाहूंगा क्योंकि इस वक्त एक रैली है और वहां हमें जाना पड़ेगा। इस वक्त आपको सीधे कश्मीर के गुलमर्ग लिए चलते हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक रैली है और उमर अब्दुल्ला भी इस रैली में मौजूद हैं और थोड़ी देर में संबोधन भी करेंगे। नमन नौजवान हिंदिस रोजगार पनिस अदतस कश्मीरियत दियो ये वोट के जो बड़े मे तो सारियन गुजारिश। मैंने कहा तो फिलहाल इस वक्त गुलमर्ग से लाइव रैली आपको दिखा रहे थे जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी रैली है और खुद इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। थोड़ी देर तक वो इस रैली को संबोधित भी कर सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा हिसार में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली होने वाली है। हरियाणा के रण में पीएम नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। आज के दिन उनकी दो रैलियां होंगी, एक जम्मू कश्मीर में और एक हरियाणा में। काफी अहम माना जा रहा है पीएम का दौरा, क्योंकि एक चरण में ही सब कुछ निपटाना है रूपाली, एक चरण में ही सब कुछ समेटना है और उसको लेकर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और तमाम जो बड़े नेता है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जोर आजमाइश हो रही है कि इन चुनाव में कैसे उतरना है, हरियाणा के रण को और इस अखाड़े को, इस दंगल को कैसे जीतना है और वहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कैसे टक्कर देनी है, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस भी मजबूती में वहां पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसी के साथ शीतल, अगर बात की जाए तो साफ तौर पर हरियाणा में भी जोर जो है अब विधानसभा चुनावों के इस प्रक्रिया का है और जहां पर साफ 6 जिलों के 23 प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो इन प्रत्याशियों का समर्थन करने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे जहां पर उनके द्वारा रैली को संबोधित किया जाएगा। और राय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तमाम बाकी पार्टीज भी दमखम जो है वो अपना रही है, धुआंधार रैलियां कर रही है और एक ही दिन है जहां जब मतदान होना है और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनकी घोषणा होनी है। और आज जो पीएम का ये दौरा है काफी ज्यादा
अहम माना जा रहा है क्योंकि 6 जिलों के 23 प्रत्याशी जो है वो मंच पर होंगे और उनके समर्थन में ये रैली जो है वो की जाने वाली है। और आपको बता दें कि सभी 6 जिलों के प्रत्याशियों को मजबूत स्थिति देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये दौरा जो है काफी ज्यादा अहम हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है, जहां पर हिसार में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए रूपाली, सही कहा आपने, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा को भी कैसे साधना है। हालांकि हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन, देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा, जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। मोदी जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद में मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3,000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC स्टूडेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को, वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सब के परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चलो तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बीजेपी जरूर पिछले 10 साल से वहां पर सत्ता में है। 2014 में जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने सरकार बनाई थी। 2019 में जब वहां पर चुनाव हुए तो गठबंधन में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि खलबली इस गठबंधन में जरूर पिछले कुछ दिनों में मिली है, जेजेपी उनसे अलग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने अपना बहुमत जो है वो पेश किया और फिर से उनकी सरकार सुरक्षित है। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन बीजेपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाना, मनोहर लाल जो पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री थे, लेकिन 10 साल के कार्यकाल से कुछ महीने पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया और उन्हें लोकसभा से चुनाव लड़ा। लोकसभा से उन्होंने लड़ा, लोकसभा से जीत हासिल की और केंद्र में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में सौंपा गया। ऊर्जा मंत्री का कार्यभार उन्हें दिया गया, केंद्रीय मंत्री बने और अब वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर हरियाणा के अंदर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस लोकसभा में चुनाव के जो जीत मिली थी, जिसमें कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, जहां पर हमेशा बीजेपी 10 सीटें जीती थी, 2019 में 10 में से 10 सीटें जीती थी, और जब 2024 के चुनाव हुए तो स्थिति बदल गई, 5-5 सीटें दोनों दलों के बीच आई, दोनों दलों की झोली में आई, बीजेपी बैकफुट पर नजर आई, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा, सीटें बढ़ी और पूरा कॉन्फिडेंस भी मिला। आम आदमी पार्टी के साथ रूपाली गठबंधन की बातें भी हुई, चर्चाएं भी चली, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया और उसके बाद ये गठबंधन नहीं बन पाया। अरविंद केजरीवाल अब 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवारों को उतार लिए हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी देखने को मिली थी, जिसमें एक हुड्डा गुट था, एक रणदीप सुरजेवाला का गुट देखने को मिला और तीसरा गुट जो शैलजा का गुट था, जहां पर बहुत बड़ी एक स्थिति भी बनी थी कि क्या शैलजा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेगी या नहीं, लेकिन उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने, यानी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मा संभाला। उन्होंने हुड्डा को जिम्मेदारी दी कि आखिर अगर शैलजा दूर होती है तो हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। उस डैमेज को कंट्रोल करने का काम हुड्डा की तरफ से किया गया। एक बड़े स्तर पर, बड़े मंच पर उन्होंने कहा कि शैलजा कांग्रेस पार्टी की पुरानी नेता है और उनकी जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हैं और उनकी जड़ें जो है वो यहाँ पर मजबूत हैं, वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। उसका फायदा बीजेपी उठाना चाह रही थी, लेकिन वहाँ
पर भी बीजेपी के हाथ खाली नजर आए, लेकिन प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है उसमें गृह मंत्री अमित शाह लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और पीएम मोदी भी पीछे नहीं है, वो भी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। आज फिर से उनकी एक बड़ी रैली होनी है। बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि रैली में कहां कहां के लोग जो हैं वो आने वाले हैं। प्रत्याशी आपको बता दें कि इस रैली में हिसार के अलावा सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी, दादरी और जींद के आने वाले हैं और ये सभी 6 जिलों के 23 प्रत्याशी हैं जिनके समर्थन के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में रैली करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और किस तरह से हरियाणा के अंदर माहौल बना हुआ है, हरियाणा का रंग जो है वो पूरी तरह से सज गया है। मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो है वो आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। धार्मिक स्थानों पर जो है वो भीड़ लगी हुई है, यानी वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है। पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट, और आज से ठीक का 10 साल पहले मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, 10 से 12 साल पहले, 9/2011, यानी वो तिथि अभी भी याद है, वो अभी भी लाइमलाइट पे है, उसे अभी भी याद किया जाता है कि जब वहां पर आतंकी हमला हुआ था उसमें कितने सारे लोग इसकी चपेट में आए थे, कुछ लोग घायल भी हुए थे, और उसके बाद आतंकी कसाब नाम का जो था उसे गिरफ्तार भी किया था, और उसके बाद कई सारे उससे जो गुत्थियाँ थी वो भी सुलझाने की कोशिश सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहे हैं और आगामी चुनाव ठीक झारखंड में और महाराष्ट्र के अंदर होने वाले हैं, उससे ठीक पहले वहां पर एक बार फिर से आतंकी गतिविधि हो सकती है। आतंकी सक्रियता जो कहीं कहीं इस तरह की गर्माहट है वो देखने को मिल रही है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों के पास सीधे ये इनपुट मिले कि एक बार फिर से मुंबई या महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई के अंदर बड़ा हमला हो सकता है, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा कर्मियों को और मुंबई पुलिस को चप्पे चप्पे पर, चौक चौराहों पर तैयार कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ फिलहाल पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है, और आपको बता दें कि मुंबई में ये आतंकी हमले का अलर्ट जो है वो जारी किया है, जहां पर एजेंसियों को ये सूचना मिली है कि मुंबई में आतंकी हमला जो है वो हो सकता है, जिसको लेकर आपको बता दें कि फिलहाल सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है भाई। मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रूपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रूपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।